फैमिली. बेसिकली आई एम फ्रॉम हार्डनर प्लांट, तो सर्किट इतना इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया. बट आफ्टर 26 की ट्रेनिंग के बाद हमें क्लैरिटी आया कि 0S क्या है और 1S क्या है. बेसिकली बिफोर 1S हम क्या कर रहे थे, हाउसकीपिंग कर रहे थे, एंड जो स्क्रैप था उसको भी हम रेड टैग एरिया में रख रहे थे. हमने एक रेड टैग एरिया डिफाइन किया एंड वहां पर जितना हमारा अनवांटेड आइटम्स एंड स्क्रैप है सब वहां पर स्टोर किया. उसका डिसीजन अभी लाइक मेकिंग बाकी था. लाइक अमी सर जानते हैं हार्डनर प्लांट में एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा है कंपेरेटिव टू अदर प्लांट्स. बट हमने जो मुझे ट्रेनिंग मिला 26 को, उसके बाद मैंने जो मुझे क्लैरिटी आया, तो सबसे पहले मैंने जाते ही मोर देन 30 और 40 आइटम्स मैंने नेक्स्ट डे ही रिमूव करवा दिए, क्योंकि वो मुझे रियलाइज हुआ कि वो स्क्रैप है और वो हमारे भी काम नहीं आएगा, अदर डिपार्टमेंट के भी काम नहीं आएगा, उसको डिसीजन पेंडिंग में डालने का कोई फायदा नहीं है. तो आफ्टर 26 मेरे पास अभी बहुत कम आइटम पड़े हैं जो रेड टैग एरिया में, मोर देन 5 to 10 आइटम्स आ रहे थे.